अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन द ब्लैंकेट, यानी कि कंबल, और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे द ब्लैंकेट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इसी तरह से पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो एमसीक्यूज का होगा, और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे फुल बुक में से, और आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे ए बी सी एंड डी। तो आपने उसमें से राइट आंसर को टिक करना होगा या सर्कल करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज। नंबर 1 है हमारे पास, द ब्लैंकेट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज डैड टू हिज ग्रैंड डैड एज अ डैश गिफ्ट। के तो कंबल जो था वो एक तोहफा था डैड की तरफ से उसके दादा अबू के लिए, वो कौन सा तोहफा था? तो इसका राइट आंसर है आ गोइंग अवे गिफ्ट, यानी कि रुखसत होने का या चले जाने का तोहफा। तो फ्रेंड्स, हर ऑप्शन का जो राइट आंसर है उसको मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस तरह से हाईलाइट कर दिया है ताकि जब आप लोग याद करें तो आपको ईजी रहे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इट वाज अ बिग डैश ब्लैंकेट। वो कंबल कैसा था? वो एक बड़ा, और राइट आंसर है इसका ए डबल, के बड़ा और दोहरा कंबल था। नंबर 3 है हमारे पास, पीटर्स ग्रैंड डैड स्टॉप्ड प्लेइंग ट्यून्स ऑन हारमोनिका व्हेन डैश, के पीटर्स के जो दादा बू हैं वो हारमोनिका बजा रहे थे लेकिन अचानक से उन्होंने स्टॉप्ड प्लेइंग ट्यून्स, उन्होंने वो धुन बजानी रोक दी थी। आखिर क्यों रोकी थी? क्यों? तो इसका राइट आंसर है बी, द लाफ ऑफ द न्यू गर्ल वॉज हर्ड, कि उन्होंने नई लड़की जो है उसके हंसने की आवाज़ सुनी थी, तो वो आवाज़ सुनते ही उन्होंने जो है हारमोनिका की जो धुन है वो बजाना रोक दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, पीटर विल गिव द हाफ ब्लैंकेट टू हिज फादर व्हेन डैश, कि पीटर जो है वो आधा कंबल देना चाहता था अपने वालिद को जब के क्या? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी, व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, कि जब उसके वालिद जो है वो बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें वो ये आधा कंबल देगा। नंबर 5 है हमारे पास, पीटर सेज ही वुड गिव हिज डैड द हाफ ब्लैंकेट व्हेन ही ग्रू ओल्ड, आफ्टर दैट देयर इज डैश, कि जब पीटर ने ये बात की कि वो आधा कंबल अपने वालिद को देगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे, तो उसकी इस बात के बाद वहाँ पर क्या हुआ था? तो वहाँ पर क्या था? राइट आंसर है बी, अ बिग साइलेंस, एक बहुत देर तक, ज़्यादा देर तक खामोशी हो गई थी, सब बिल्कुल उसकी बात सुनकर बहुत खामोश हो गए थे। नंबर 6 है हमारे पास, द मोस्ट एक्सप्लिसिट मॉरल ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट इज डैश, के बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है वाजा, कि बहुत ज़्यादा वाजा जो इसकी मॉरल है, जो इसकी कहानी का थीम है वो क्या है? तो वो ये है, डू अनटू अदर्स एस यू वांट अदर्स डू अनटू यू, के दूसरों के साथ आप वैसा ही सलूक करें जैसा कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। नंबर 7 है हमारे पास, हारमोनिका इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डैश, के हारमोनिका एक ऐसा आला है जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, म्यूज़िक, मौसीकी के लिए, हारमोनिका मौसीकी का एक आला है। नंबर 8 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ग्रैंडफादर इज़ अबाउट टू लीविंग द डैश, के उसके दादा अबू जो हैं वो तकरीबन छोड़ने जा रहे थे, क्या चीज़ छोड़ कर जा रहे थे वो? तो राइट आंसर है हाउस, कि वो घर छोड़ने जा रहे थे, यानी कि उस घर से जाने वाले थे, वो जा रहे थे। नंबर 9 है हमारे पास, राइट सिनोनिम फॉर विस्पर, विस्पर का सिनोनिम लिखिए, यानी कि हम मायनी अल्फाज लिखिए। तो इसका राइट आंसर है बी, गॉसिप, यानी कि हल्की आवाज़ में गुफ्तगू करना या सरगोशी करना। नंबर 10 है हमारे पास, द गोइंग अवे गिफ्ट वाज अ डैश, के रुखसती का या चले जाने का जो तोहफा था वो क्या था? राइट आंसर है ए, ब्लैंकेट, के वो एक कंबल था। नंबर 11 एमसीक्यूज है हमारे पास, पीटर वाज डैश ईयर्स ओल्ड द ब्लैंकेट, कि पीटर जो बच्चा जिसका इस कहानी में जिक्र है वो कितने सालों का था? द ब्लैंकेट यानी कि उस ब्लैंकेट में से ये लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी, 11, वो 11 साल का लड़का था। नंबर 12 एमसीक्यूज है हमारे पास, ग्रैंडडैड वाज ट्राइंग टू मेक हिज शिफ्टिंग फ्रॉम द हाउस डैश, के दादा बू जो हैं वो बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे अपना शिफ्ट हो जाना, अपना वहां से चले जाना उस घर से, क्या कर रहे थे? राइट ऑप्शन है सी, इजियर,
मतलब अपना चले जाना उस घर से आसान बना रहे थे, क्योंकि वो पीटर को बार बार ये कह रहे होते हैं ना कि मैं खुद जा रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं भेज रहा। नंबर 13 MCQs है हमारे पास। इट्स अ बिट ऑफ डैश ट्यून बट अ नाइस वन फॉर अ नाइट लाइक दिस, कि ये जो है एक किस्म की कैसी धुन थी जो वो बजा रहे थे। तो राइट आंसर है हमारे पास डी, सैड, कि बहुत ही उदास सी ये धुन थी, लेकिन अच्छी भी थी बिल्कुल उस रात की तरह, क्योंकि वो रात भी बहुत उदास थी जब पीटर और दादाबू अकेले बाहर बैठे हुए थे। नंबर 14 है हमारे पास। बोथ ऑफ देम लुक्ड वाइड डैश, बोथ ऑफ देम, यहाँ बोथ ऑफ देम से मुराद है डैड एंड ग्रैंड डैड, कि वो दोनों ने उस बॉय से मुराद है पीटर, कि दादाबू और उसके डैड ने लड़के को यानी कि पीटर को किस तरह से देखा। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए, सरप्राइज्ड, यानी कि हैरान होकर देखा। तो इसका यहाँ पर ये उस बारे में बात कर रहे हैं जब पीटर उन्हें कहता है कि आधा ब्लैंकेट मैं अपने फादर को दूंगा, डैड को दूंगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे। तो इसकी इस बात पर दोनों ने हैरान होकर उसे देखा। नंबर 15 है हमारे पास। द ओल्ड मैन एंड द बॉय वेंट आउटसाइड एंड सेट अंडर द डैश, के बूढ़ा आदमी और लड़का बाहर चले गए और बैठ गए किसके नीचे, अंडर द मून। राइट आंसर है हमारे पास डी, मून, यानी कि चांद के नीचे बैठ गए। नंबर 16 है हमारे पास। टुगेदर द ओल्ड मैन एंड द बॉय वॉश्ड द डैश डिशेस, के जब कहानी स्टार्ट होती है हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी और लड़का बर्तन धो रहे होते हैं, तो अब वो यही कह रहे हैं वो क्या वॉश कर रहे थे, कौन से बर्तन धो रहे थे। तो राइट आंसर है हमारे पास सुपर डिशेस, यानी कि रात के खाने के बर्तन वो लोग धो रहे थे। नंबर 17 है हमारे पास। इन रिएक्शन टू द ऑब्जेक्शन फॉर ऑफ द फ्यूचर वाइफ पीटर्स डैड डैश, के उनकी जो बीवी का जो रिएक्शन था एकदम से टू द ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो कंबल पे आपको पता है इतराज़ कर रही थी, ऑफ द फ्यूचर वाइफ, मुस्तकबिल की जो बीवी थी पीटर्स डैड, पीटर के डैड की होने वाली, तो क्या उनका रिएक्शन था डैड का ना वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास शॉर्ट इम्प्लिसिट एंगर, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत ही वाजा गुस्सा शो किया था, मतलब वो दिखा रही थी कि देखो क्यों इतना महंगा कंबल दे दिया है, ये वो सारा कुछ। नंबर 18 है हमारे पास। ही वुड नेवर हियर ग्रैंडड डैश अगेन, कि वो नहीं सुनेगा दादा अबू को डैश अगेन। राइट आंसर है ए, प्ले, यानी कि वो हारमोनिका प्ले कर रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, तो वो प्ले से मुराद हारमोनिका प्ले करना है, कि वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हारमोनिका प्ले करते हुए अपने दादा अबू को कभी भी दोबारा नहीं सुनेगा। नंबर 19 है हमारे पास। ब्लैंकेट वाज अ डैश गिफ्ट, के कंबल जो है वो कौन सा तोहफा था। राइट आंसर है सी, गोइंग अवे, यानी कि चले जाने का तोहफा था। 20 है हमारे पास MCQs। द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय डैश, के बूढ़ा आदमी और नौजवान लड़का क्या कर रहे थे। राइट आंसर है ए, वॉश्ड, यानी कि वो धो रहे थे शुरू में जब बर्तन धो रहे होते हैं। 21 MCQs है हमारे पास। डैश वॉश्ड द सुपर डिशेज ऑन द नाइट ग्रैंड डैश वाज गोइंग अवे, के कौन कौन रात के खाने के बर्तन धो रहा था उस रात जबकि दादाबू ने चले जाना था। तो हमने ये कहानी के स्टार्ट में ही पढ़ा है। राइट ऑप्शन है हमारे पास ए, पीटर एंड हिज ग्रैंड डैड, कि पीटर और उसके दादाबू जो हैं वो रात के खाने के बर्तन धो रहे थे। नंबर 22 MCQs है हमारे पास। ग्रैंड डैड कंप्लेनिंग अगेंस्ट बेकिच एंड डैश वॉज इनकम्पेटिएबल विद द प्रेजेंट सिनेरियो, के दादाबू जो हैं कंप्लेनिंग, वो शिकायत करेंगे किस चीज़ की, बैकिस मतलब अपनी कमर के दर्द की, और राइट ऑप्शन है हमारे पास बी, पेन्स, और दर्दों की शिकायत करेंगे, तो ये क्या होगा, वाज इनकम्पेटेबल विद द प्रेजेंट सिनेरियो, तो ये बिल्कुल ही बेजोड़ लगेगा, मतलब कोई जोड़ नहीं होगा उनकी प्रेजेंट सिनेरियो जो मौजूदा मंजरनामा होगा उनका, मतलब वो कहते हैं कि मौजूदा मंजरनामे में से मुराद यहाँ पर दादाबू की ये है कि उसके फादर होंगे और उसकी न्यू जो मदर हैं वो होंगी, तो उनके दरमियान वो अपनी कमर दर्द की और दर्दों की शिकायत करेंगे, तो ये बिल्कुल ही इनकम्पेटिएबल लगेगा, मतलब बेजोड़ सा लगेगा उससे, इसलिए वो कहते हैं कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। 23 MCQs है हमारे पास। आई विल गेट माई हारमोनिका एंड प्ले फॉर यू, राइट सिनोनिम, तो अंडरलाइन जो उन्होंने किया हुआ है उसका हमने सिनोनिम लिखना है। कहते हैं कि मैं अपना हारमोनिका लाऊंगा और तुम्हारे लिए इसे बजाऊंगा, तो हारमोनिका मतलब हारमोनिका का हम
मायनी लफ्ज क्या है? तो राइट आंसर है इसका ए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर म्यूजिक के मौसीकी का एक आला है, मौसीकी के आले को हारमोनिका कहते हैं। 24 MCQs है हमारे पास। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय, लड़के का नाम क्या था? तो राइट ऑप्शन है सी पीटर, लड़के का नाम पीटर था। 25 है हमारे पास। पीटर सेट एंड लुक्ड आउट द डैश, पीटर वहाँ बैठ गया जब बाहर आया, एंड लुक्ड आउट और देखने लगा किस चीज़ को, द डैश। तो राइट आंसर है सी वैली, यानी कि आगे जो वादी थी दरमियान में नीचे उनके घर से, तो उस वादी को देखने लगा। 26 MCQs है हमारे पास। इट्स अ डैश गर्ल योर फादर इज़ गोइंग टू मैरी, कि ये एक कौन सी लड़की है जिसे तुम्हारे अबू शादी करने जा रहे हैं? तो राइट ऑप्शन है डी फाइन, कि दादा अबू पीटर से कहते हैं कि इट्स अ फाइन गर्ल, ये एक अच्छी लड़की है जिससे तुम्हारे अबू शादी करने जा रहे हैं। 27 है हमारे पास। आई वॉन्टेड हिम टू हैव द डैश, तो ये बात कौन कहता है? ये डैड कहते हैं अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ को, कि आई वॉन्टेड हिम, मैं चाहता था टू हैव द डैश, कि इन्हें, इसका राइट ऑप्शन है डी बेस्ट, कि मैं ये चाहता था कि उन्हें बेहतरीन तोहफा दूँ। 28 MCQs है हमारे पास। एंड ही हर्ड द ग्रैंडपा डैश सॉफ्टली, और उसने क्या सुना? दादा अबू को सुना डैश सॉफ्टली, मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? राइट ऑप्शन है सी, यानी कि विस्पर, दादाबू को हल्की आवाज़ में सरगोशी करते हुए पीटर ने सुना था। 29 MCQs है हमारे पास। अ थिन वाइट मून रोज ओवर द डैश, कि एक पतला सा चांद जो है वो कहाँ पे उभरा हुआ था, किसके ऊपर? राइट ऑप्शन है बी, वादी के ऊपर नज़र आ रहा था। नंबर 30 और लास्ट MCQs है हमारे पास। ही विल फील डैश अगेन विद अ प्रीटी वाइफ लाइक डैट, कि यहाँ पर उसके दादा अबू बात कर रहे थे उसके डैड के बारे में कि वो क्या महसूस करेंगे। तो राइट ऑप्शन है डी यंग, कि तुम्हारे डैड जो हैं वो दोबारा से अपने आप को नौजवान महसूस करेंगे इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर उस लड़की की तरह। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लेसन द ब्लैंकेट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, तो आपने ये अच्छे से इस तरह से याद करने हैं, क्योंकि आपके पेपर में हर चैप्टर में से तकरीबन 2 तो MCQs आ सकते हैं।